तू तो जाएगी अपने ससुराल, बड़े घर जाएगी, अयाशी की जिंदगी गुजारेगी सारी उम्र, खुश रहेगी मेरी बच्ची। तू तो अयाशी की देखेगी इंशाल्लाह, देखना मैं ना तेरा दिन पक्का कर रही हूँ, तारीख पक्की कर दी है मेरे ईद के, तेरे दरवाज़े को ईद के बड़े रोज। अच्छा तो इसमें रोने की क्या बात है अम्मा, आपको तो खुश होना चाहिए ना। वो तो मैं आलिया इसलिए रही हूँ कि जिस दिन का मुझे तेरी पैदाइश से लेके आज तक इंतजार था, जिसके लिए परेशान वो बात नहीं हूँ मैं तेरी तारीफ पक्की करके आ गई, लेकिन फिर तेरी जुदाई का सोच के अरे जगट रहा है, सोचिए तू चली जाएगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी मेरी बच्ची। अम्मा तो मत भेजो ना मुझे, यही अपने पास रखो। आलिया ऐसे थोड़ी होता बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, रिवाज है, लड़की तो अपने घर जाना ही होता, पर माँ का जी है ना तो कलेजा तो कटेगा है। लेकिन ऐसे खुद गर्ज नहीं है कि अपनी तनहाई की खातिर बिन ब्याह तुझे घर में बिठा के रखूं। देखना मेरी बच्ची, मुझे दुआ करती हूँ मैं अल्लाह से, इतनी दुआ करती हूँ बच्ची के नसीब अच्छे हो, मेरी बच्ची खुश रहे, ढेर खुशियाँ मिले, लाखों खुशियाँ मिले मेरी बच्ची को, हाय अपने ससुराल में खुश रहे, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, लाख लाख शुक्र। एक धोखा तोड़ देती है भरोसा, चाहे तुम। अबे यार ये कहां से आ गया, कहीं बुढ़िया ने इसे सब बता तो नहीं दिया? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो जा नहीं रहे थे? हाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक दफा जाने से पहले नायला से मिल सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बहन का घर है, आओ मिल लो।